मतलब अलग ग्रेड पे लेके जाते हैं। तो आगे आने वाले समय में जब आप इस चीज को हैंडल करेंगे तो मुझे लगता है कि इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट पोजिशन आती, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ स्टैमरिंग पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट मैंने हासिल किए हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरे संबंधित जितने भी लोग आए, तो जो मैंने हासिल किया थ्रू एनएलपी वो फिनोमिनल है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने दो टेक्निक्स बताए थे वाला, वो मैं रोज सुबह प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उससे मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट मिला है। लाइक मैं अगर मैं किसी मेरे बॉस से बात करता हूँ तो जस्ट एक 5 सेकंड के लिए स्विच एंकरिंग मेथड यूज कर लिया तो मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता था और मैं फ्लुएंटली बात कर पाता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। और अगर मैं किसी सीनियर हायर authority presentation में ये techniques use करता तो is working fine. So enjoy it and practice it. ठीक है, तो अभी मैं बारीक बारीक चीज मतलब कौन से वर्ड में, लाइक मैं कल ही मेरे भाई से बात कर रहा था तो दिवाली शब्द में मैं स्टक हुआ था, तो हाँ तो वो मैं मतलब मैं उसको बोल ही नहीं पाया, जो शब्द है दिवाली वो उसको बोल ही नहीं पाया। फिर कल से मैं उस पर प्रैक्टिस किया, जब भी मैं वो वर्ड बोलू तो मैं एंकरिंग मेथड यूज करूँ और बोलने से पहले मतलब बहुत ही माइल्ड फीलिंग थी तो उसको अपने बॉडी से निकल के फिर मैंने बोलना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे, जब आप बात कर रहे हैं ना मैं आपके फ्लुएंसी को महसूस कर पा रहा हूँ, पहले से आप बहुत बेहतर हैं। सो यू आर बिल्डिंग फॉर्मिंग पैटर्न्स, सबसे खुशी की बात यह है कि आपका माइंड इन पैटर्न्स को बना रहा है और उस पर एक्ट कर रहा है, सो दिस इज वेरी गुड, वेरी नाइस, एंजॉय तो कर ही रहे हैं आप, रिपीटेशन तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। जब आप पैटर्न्स को सही तरीके से सही मेथडोलॉजी से डील करते हैं तो होता यह है कि वो ऑटोनॉमस मोड में चला जाता है, यही एनएलपी करके देती है कि वो ऑटोनॉमस हो। उसके लिए आपको प्रैक्टिस डेलिबरेट एक्शन ना लेना पड़े, सोच सोच के नहीं एक्शन, वो ऑटोमेटिक माइंड है। तो ये ऑटोमेशन में आ गया, ये सबसे खुशी की बात। सो आई एम एक्साइटेड टू बिकॉज इट केम इन टू ऑटोमेशन, ये अब अपने आप होने लगी है चीज, है ना, तो ये मजेदार है। तो इन छोटी छोटी माइल्ड चीजों को देखना है टू बिकम फ्री। जब ऐसे छोटी छोटी चीजों को आप कैच करना शुरू करेंगे जो आपने किया दिवाली वाले मोमेंट के साथ, तो मजेदार कॉन्सेप्ट यह है कि सिमिलर कंडीशन में जाने से पहले माइंड प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, 2-4-10 चीजों को रेफरेंस आपने जैसे ही बना लिया तो अब सिमिलर कंडीशन जब बनेगी उससे पहले आप अवेयर हो जाए, आपका माइंड अवेयर हो जाएगा, नॉट यू, योर सबकॉन्शियस माइंड, ओके, वो प्रिपेयर कर लेगा अपने आप एंड यू विल फील फ्री कंप्लीटली। इसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स है क्या जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ रिलेटेड टू स्टैमरिंग, या फिर मुझे इन दोनों के साथ ही कंटिन्यू करना पड़ेगा? अभी आप कंटिन्यू करें, कुछ ऑब्जर्वेशन आप ले लें और उसका एक लिस्ट बना लें और फिर एक दिन मेरे साथ बैठ जाएंगे आप, तो मैं कुछ और आपको छोटे छोटे पैटर्न मतलब क्विक पैटर्न बताऊंगा। ओके, विद इन अ सेकंड इमीडिएटली उसको करना है आपको प्रैक्टिस। ओके, जो मैं कह रहा हूँ तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लें, एक दिन फिर बैठ जाएंगे। ठीक है सर, है 6-7 दिन का एक प्रैक्टिसिंग आप अपना खुद से डिजाइन कर लें। अब तो आप यू आर क्वाइट मैच्योर और आप बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं बिकॉज अर्नेस्टली आप चाहते हैं इसे ओवरकम करना, तो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल थिंग Which I got from. तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने से आप एक तरह से ना थॉटफुलनेस आपके अंदर आ रही है कि मैं इस वक्त क्या इस्तेमाल करूँ, इस वक्त क्या मेरे लिए फेवर कर रहा है, उस चीज को मैं कैसे दो रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी सबसे अच्छी फिनोमेना होती है, एक खास तौर से एक जो इंसान अपने आप में बदलाव लाना चाहता है। एक्चुअल बदलाव तो आप लाने वाले हैं, मैं तो केवल कुछ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रहा हूँ, कुछ चीजों को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ बिकॉज आई एम आउट ऑफ द बस, I'm pushing it to help you. But ultimately drive आप ही करेंगे, start गाड़ी को आप ही करेंगे, सारे mechanism आप ही start कर रहे हैं। So that is the main point. तो वही आपको करना है, मैं independent करना चाहता हूँ। Past life regression जो आता है, कम हो गया। क्या मैं समझा पाया अपनी बात को? Right sir. समझिए बात। हाँ, तो इन चीजों को करें, बड़ा मजा आएगा। देखिए, life is the longest journey, not a short term, जिसको कह सकते हैं event. तो इसमें क्या ना, हमें प्रॉपर वे में अपने आप को इस तरह से नर्चर करते रहना पड़ता है, डिजाइन करते रहना पड़ता है, प्रोग्राम करते रहना पड़ता है, ताकि हम हर दिन में अगले दिन के लिए इस तरह से प्रिपेयर हों कि अगले दिन जब हम खड़े हों तो लगे कि यस मैं ही मैं हूं।
ये कॉन्फिडेंस आता जाएगा और आनंद आएगा फिर जीवन में। यस सर। और मेरे में जैसे जैसा इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं तो मुझे और एनएलपी सीखने की भी इच्छा बहुत जी ये हो रही है, जागरूक हो रही है। और मैं ऐसा जी चाहता हूँ क्या जो भी मेरे जैसे स्टैमरर जो है, जो बचपन से जो मैंने फेस किया है, जी तो वो और कोई फेस ना करे, क्या मैं उसी फेज में उनकी मदद कर पाऊँ जो वो ये स्टेज तक वो ना पहुंचे। तो एग्जैक्टली ऐसा मेरा एक अभी एक मिशन है कि मैं उन लोग की मदद कर पाऊँ। तो उसके लिए मुझे और ज्यादा सीखना और अपने पे काम करना पड़ेगा, तो जी उसके लिए आपकी थोड़ी मदद सर लगेगी मुझे। हाँ नहीं बिल्कुल, वो आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी। सो बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपसे सबसे बड़ी बात मैंने पहले ही कहा था कि जब मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ एट द सेम टाइम हेल्पिंग आउट माई सेल्फ, तो थ्रू यू मेरे अंदर एक नया एक्सपीरियंस, नया अनुभव, सरोज जी एक नए व्यक्तित्व हैं जो जिनको मैंने थोड़ी सी मदद की और उन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया कि यस इट इज हेल्पिंग, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अगली बार जब कोई इंसान आएगा तो मैं आपसे थोड़ा और कॉन्फिडेंट होकर उनसे बात कर रहा हूँ, वो सही है विश्वास मेरे अंदर। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं हमेशा ये पैटर्न में फॉलो करता हूँ, जब भी आपका मन करे यू कैन सेंड मी मैसेजेस एंड यू विल गेट ऑल द वीडियोस। 22 घंटे की कोचिंग है, उसमें सारे एनएलपी का पूरा वो वर्कबुक आपको मिल जाता है, वो अलग रिटन फॉर्म में, ई फॉर्म में वो सारा मिल जाएगा आपको। 5-7-8 किताबें लगभग हैं जो बेस्ट किताब है, बेस्ट सेलर्स, उसमें से प्लासिबो एक है, इसके अलावा माइंड गट कनेक्शन है, ऐसी किताबें, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन है, इस तरह की बहुत बेहतरीन किताबें हैं, फिर बिहेवियर साइंस की किताबें वो आपको मिल जाती हैं, तो वो सारी चीजें हैं, बाकी जो सपोर्ट सिस्टम है। और सर जो आपके अफर्मेशंस के रिलेटेड वीडियोस है वो भी मिले और हाँ वो भी मिलेंगे क्या? मिलेगा, 11 वीडियो, वो 11 सेशन अच्छा आपको मिलेगा, लगभग 10 घंटे की वीडियो उसके अच्छा साथ में, मतलब टोटल आपको 30 आवर्स का वो कोर्स मिलेगा, 32 आवर्स ओके एग्जैक्टली टू बी ओके। प्रिसाइज। और ये कोर्स करने के बाद में मैं एनएलपी का मास्टर मतलब प्रैक्टिशनर, यस मास्टर प्रैक्टिशनर हो एग्जैक्टली, सकता आपको वो सर्टिफिकेशन भी मिलेंगी और आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे उस वक्त जो भी हेल्प आउट करना पड़ेगा, ऐसे हूँ। सपोज आप अपने सेमिनार्स कैसे डिजाइन करेंगे, ऐसे लोगों को आप काउंसल करेंगे, जो भी समस्या उसमें मैक्सिमम समस्याएं कवर की है, बट पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी कई बार डिफर करती है चीजें, तो वो कोर वैल्यूज क्या होंगी जिसके आधार पे, जिसको बेसिस करके आप सारी बातें कर रहे होंगे। तो ऐसा कहा यहाँ तो ये चीजें पढ़ी मैंने, यहाँ तो ऐसा, तो समझ रहे हैं आप क्या वो जो गीता में है ना, बहु शाखा अनंतस्य बुद्धयो वशायनः, तो यही है कि वो अनंत में खो गए, नॉलेजेबल है आदमी, क्यूरियस है, सीखना चाहता है। अभी 2 दिन से आज जो मैंने उनके काउंसलिंग किए, तो आज उन्होंने अपने घर पे जो बात करी, घर वाले इतने ज्यादा खुश हैं कि अभी मुझे कॉल कर रहे हैं कि साहब आप तो कमाल का अनुभव है, और वो कह रहे हैं कि अब तो सिस्टमैटिक मैं समझ पा रहा हूँ कि सिस्टमैटिक मुझे कैसे अपने आप को डील करना है। तो कहने का मतलब ये जो पूरा मैं बता रहा हूँ आपको, कि आपको ये समझना है कि मैन टू मैन इंसान की जो समस्या है उसको हैंडल करने के लिए बेस क्या होगा, प्लेटफॉर्म क्या होगा। मैं अपने प्लेटफॉर्म पर टिका रहूंगा, क्योंकि वो जो बता रहा है सामने वाला जो इंसान बता रहा है वो कंटेंट बता रहा है, इंटेंट मुझे पकड़ना है, वो इंटेंट जो है वो आपको मिलेगा एनएलपी के बेस पे, जो पूरी जो कोर्स होगी, और फिर आप धीरे 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 2-4-6 महीने में खुद से आप इस काबिल हो जाएंगे पूरी तरह से, कि किसी भी समस्या को आप कहीं से भी हैंडल कर सकते, दैट विल बी द ग्रेट, वो मजेदार कॉन्सेप्ट है। तो और आप सर बिल्कुल जी हाँ प्लीज सर प्लीज, बोलिए बोलिए। हाँ नहीं वही मैं कह रहा था कि आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं, और सर बिकॉज यू आर फेसिंग अ चैलेंज एंड यू अगर हैंडल इट। मुझे जी मुझे सिर्फ स्टैमरिंग के रिलेटेड एनएलपी सीखना है, तो ऐसा कुछ अलग से कुछ ऐसा स्पेसिफिक स्टैमरिंग रिलेटेड कुछ कोर्स है क्या? क्या मुझे पूरा ही कोर्स करना नहीं, पड़ेगा? उसमें जैसे स्टैमरिंग रिलेटेड कोई कोर्स तो मैंने ऐसा डिजाइन नहीं किया, बट मैं जो आपके साथ जो चीजें हैंडल कर रहा हूं, तो ये मैं स्पेसिफिकली स्टैमरिंग के लिए नहीं कर रहा हूं। अगर कोई एंजाइटी के लिए आएगा तो मैं एंजाइटी के लिए भी सेम पैटर्न्स को अप्लाई करूंगा, बट अकॉर्डिंग टू एंजाइटी, हमें उसके समस्या के कोर वैल्यू में पहुंचना है, कोर इंटेंट में पहुंचना है, दैट इज द मेन पॉइंट। तो क्या होगा ना, फिर आप मास्टर हो गए, दैट इज व्हाई यू आर कॉल्ड मास्टर प्रैक्टिस कर, क्योंकि आप किसी भी समस्या के मास्टर पॉइंट को या मास्टर की फैक्टर को आप पकड़ रहे हैं और एग्जैक्टली वहां पे आप स्ट्राइक कर रहे हैं। तो समस्या तो खैर बिहेवियर है, जैसे अब स्टैमरिंग है तो वो एक बिहेवियर है, किसी को एंग्जाइटी है दैट इज अ बिहेवियर ऑफ अ बॉडी,
और माइंड वो था कनेक्टेड, तो माइंड में कोई चीज क्रिएट हुई, बॉडी में उसका इम्पैक्ट आ रहा है, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग इम्पैक्ट होता है, सिग्नल को भेज नहीं पाता है टोटल, तो स्टक हो गया एक इंसान। अब इसको कहते हैं फ्रोजन मोड, पहले वाले को कहते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। तो आपको डील करना है फाइट और फ्लाइट मोड को और फ्रोजन मोड को, दैट्स ऑल। इस प्रोसेस को कैसे डील करना है वो पैटर्न्स आप सीखते हैं, और बाकी जो पर्सनल गाइडेंस है उसके जरिए आप, जैसे आपके कुछ डाउट्स आएंगे कि इसको मैं स्पेसिफिकली इस पे कैसे यूज करूं, तो मैं कुछ क्लूज आपको बता दूंगा ताकि आपको इंडिपेंडेंटली काम करते हुए उसमें मजा आए और आपको पूरी तरह से आपके अंदर वो समझ क्रिएट हो जाएगा, है ना, कनेक्ट भी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आप जब उस इश्यू में होते हैं जिस इश्यू को आप हैंडल करने वाले हैं, तो कई चीजें तो आप कनेक्ट करते हैं खुद से ही। तो ये सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट है कि यू विल बिकम अ मास्टर इन अ पर्टिकुलर फील्ड और नीच, वो आपको एक मतलब अलग ग्रेड पे लेके जाते हैं। तो आगे आने वाले समय में जब आप इस चीज को हैंडल करेंगे तो मुझे लगता है कि इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन आप, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, स्टैमरिंग पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट मैंने हासिल किए हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरे संबंधित जितने भी लोग आए, तो जो मैंने हासिल किया है थ्रू एनर्जी वो फिनोमिनल है, प्रैक्टिकल right. तो उससे हमको बहुत सेटिस्फेक्शन है, हम सभी को जितने भी लोग हम शामिल हुए इसमें। तो ये आप इस चीज को अगर एक अलग पैटर्न से इसको फॉलो करें तो इट वुड बी अ ग्रेट करियर। सर वही वही करना है, वही मेरा एक अभी एक विजन और मिशन है, ये स्टैमरिंग को जड़ से खत्म करना है मुझे। कोई मेरे मैंने अब तक जितना स्ट्रगल किया वो उतना कोई स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, ये एक मेरा भी एक मोटो। नहीं, बिल्कुल सही एकदम सही, ये करना ही चाहिए। ठीक, ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडेंस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा मुझे ये जो आज अभी हुआ? हाँ बिल्कुल।